Good morning, each and everyone. Kapil Chopra here. आज हम फिज़िक्स के चैप्टर्स को कंटिन्यूशन में करेंगे. जो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने पहले क्लास में शुरू कर लिया था, उसके हमने चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में हमने लाइक एंड अनलाइक चार्जेस, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था. उसके बाद अगर हम बताएं तो आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, वोल्टमीटर के बारे में, यहाँ तक पढ़ लिया था. उसके बाद हमारा चैप्टर कंटिन्यू नहीं हो पाया था क्योंकि कर्फ्यू लग गया था. सो टेंशन मत लीजिए, चैप्टर आप लोगों का कंटिन्यू होगा एंड हम पूरा कंटिन्यूशन में लेके जाएंगे इस चैप्टर को. ओके, सो अब चैप्टर कंटिन्यूशन में जा रहा है और चैप्टर जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी भी वायर में. अगर एक वायर है जिसका एंड है अगर ए और दूसरा एंड है अगर बी, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपका, वो इस वायर के बीच फ्लो होता है. और इसकी डायरेक्शन, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन, इसकी डायरेक्शन हो सकती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ओके गाइस, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए एक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगा जब वायर के दो एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा. इट मींस जो पोटेंशियल है ए का, वो डिफरेंट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल ऑफ बी. सो अगर इलेक्ट्रिक करंट, जिस तरह आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट हीट जो होती है वो हमारी फ्लो करती है फ्रॉम एक हाई डेंसिटी रीजन से. सो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए मैं कह रहा था कि कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर जो ए का पोटेंशियल है वायर के एंड का, वो बी के एंड के पोटेंशियल से अगर कम होगा तो. सो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर. ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज़ ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर जो कि फ्लो करवाते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी रिस्पेक्टिवली. सो एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमारा बेसिकली फ्लो होता है चार्जेस की वजह से. ओके, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है आपका चार्जेस की वजह से, तो अब हमें एक चीज़ दिमाग में रख लेनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो है चार्जेस की वजह से, तो हमारे पास एक और डेफिनेशन इजी वन आ जाती है. हमें इतनी एक हार्ड वन डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं. जो इजी वन डेफिनेशन क्या कहेगी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपका फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का, किसी भी मेटल वायर में. सो यहाँ सर पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट हट जाता है. लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन फॉर यू. इसमें आप लोगों को ये जो सेकेंड वन आपकी डेफिनेशन दिख रही है, ये सेकेंड वन डेफिनेशन हमें क्लियर हो जाती है. ओके, मूविंग ऑन. अब इलेक्ट्रिक करंट तो हमने पढ़ लिया. अब इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक फॉर्मूला भी डिराइव्ड है. सो जो इलेक्ट्रिक करंट का आपका फॉर्मूला डिराइव्ड है, लेट मी जूम आउट दिस, वो गिवन करा जाता है I इज इक्वल टू क्यू बाय टी से. अब I जो होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जो भी आपका वायर के अंदर फ्लो हो रहा होगा. ओके, और क्यू जो है, क्यू इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड टी इज फॉर द टाइम, जितने भी टाइम के लिए वो करंट उसे फ्लो हो रहा होगा. सो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ जाता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी रिस्पेक्टिवली. अब अगर बात करें हम इसकी यूनिट की, अगर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की बात करें, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो गिवन करी जाती है बाय एम्पियर. इसका सिंबल जो होता है वो ए से डिनोट करा जाता है. ए स्टैंड फॉर एम्पियर और इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट मेजर आउट करा जाता है. ओके, सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. सो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है चार्जेस का. चार्जेस कौन से? आपके नेगेटिव चार्जेस में.
ओके, और ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या होती है? वो एम्पियर होती है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप लोग ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम सेकंड पेज की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। अब 1 एम्पियर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर ऑफ करंट आपका तब कहलाएगा जब आपका, अगर मान लीजिए एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं कि हम एक क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन, एक कोई क्रॉस सेक्शन है मान लीजिए 3 बाय 3 का हम इमेजिन कर लेते हैं, उसमें से जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज आपका फ्लो होगा फॉर 1 सेकेंड, तो आपका करंट जो है 1 एम्पियर कहलाएगा। इट इज़ क्लियर टू यू गाइस? सो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो अभी तक हमने पढ़ा उसको अगर रिवाइज़ करें, तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल रिस्पेक्टिवली, एंड जो हमारी करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है अगर एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड हो, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, सर्किट डायग्राम हम लोग देख चुके हैं। अब आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आएगा इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में। बहुत इजी टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब सर्किट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स आपके यूज़ हुए हों तो आप उन्हें पहचान सकें कि इस सर्किट का सिंबल का मतलब क्या है, क्योंकि कोई भी आप लोगों को सेल नहीं बना कर दिखाएगा ओरिजिनल ड्राइंग में, बल्ब नहीं बना कर दिखाएगा, आप लोगों को सिंबल से ही पता करना होगा। सो लेट्स लेट्स प्रोसीड फॉर दैट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स बेसिकली। ओके, सो मूविंग ऑन, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में। जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की, तो हमें एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए बिफोर मूविंग ऑन। सॉरी फॉर द डिले। जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की, तो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स की तो उसके अंदर सारे के सारे आपके सिंबल रिप्रेजेंटेशन ही यूज़ होती हैं। बेसिक बेसिक सिंबल हैं, अलग अलग जगह आप लोगों के यूज़ होते हैं, इसलिए आप लोगों को इन्हें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पहला जो हमारा सिंबल आता है सर्किट के अंदर वो आता है सेल का। लेट मी ड्रॉ मार्क दिस फॉर यू। सेल के अगर सिंबल की बात करें, बेसिक एक सिंगल सिंबल होता है जिसमें आप लोगों को 2 स्ट्रेट लाइंस बनाई जाती हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें, तो ये जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है छोटे वाला, ये आपके सेल होती हैं। और इसी के साथ एक और सिंबल आ जाता है आपका बैटरी। अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो बैटरी में जस्ट क्या होता है, कोई भी सिंगल सेल, 2 और मोर सेल को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो बैटरी बन जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ एन बैटरी इफ़ आई ड्रॉ दिस, सॉरी फॉर दैट। ओके, लेट मी ड्रॉ दिस। सो अब बैटरी, यहाँ से हमें बैटरी की डेफिनेशन याद हो जाती है। अ बैटरी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नथिंग बट 2 और मोर सेल्स रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पर देखें हम बैटरी का सिंबल, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊं। दिस इज़ द सिंबल ऑफ बैटरी। आप लोग अगर साथ के साथ इस सिंबल को बना रहे हैं अच्छी बात है, अगर नहीं बना रहे तो आप लोग घबराइए मत। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में ये आप लोगों को सारे के सारे नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट सिंबल आता है हमारा कनेक्टिंग वायर का। जब भी हमें कनेक्टिंग वायर बनाया बनानी हो, जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेट लाइन की रिप्रेजेंटेशन करनी है। दिस इज़ द कनेक्टिंग वायर। ओके, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट ऐड करी जा सकती हैं। मे बी वो रेजिस्टेंस हो सकता है, मे बी अलग अलग वो आगे बल्ब हो सकता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो सकता है। जो नेक्स्ट सिंबल अब हम पढ़ने वाले हैं वो है कनेक्टिंग वायर विद अ जॉइंट। जस्ट जिस तरह अभी आप लोगों ने कनेक्टिंग वायर बनाई, अगर आप उसमें एक और वायर इस तरह ऐड कर देते हैं और यहाँ पर एक जॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ये जॉइंट आप लोगों का क्या सिंबलाइज करेगा? ये जॉइंट यहाँ आप लोगों का ये सिंबलाइज करेगा कि जो भी आपने वायर्स ज्वाइन करी है उसमें यहाँ से भी कुछ करंट आएगा, कुछ यहाँ से भी करंट आएगा, और वो दोनों करंट, अगर मैं इस करंट, यहाँ से आने वाले करंट को I1 कहूँ और यहाँ से आने वाले करंट को I2 कहूँ, तो यहाँ जो आपका रिजल्टेंट करंट होगा I, वो इन दोनों का एडिशन होगा। सो रिजल्टेंट करंट विल बी इक्वल टू
आई वन प्लस आई टू रिस्पेक्टिवली. ओके, लेट मी रब दिस फॉर यू अगेन. नेक्स्ट सिंबल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट सिंबल है आपका रेजिस्टेंस का. टेक अ लुक, जस्ट कुछ नहीं करना आप लोगों ने, एक सिंगल वायर के अंदर जिगजैग लाइंस बना देनी है और ये आपका सिंबल हो जाता है रेजिस्टेंस का. एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप लोग ये सिंबल बनाते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आप लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस बना रहे हैं उस रेजिस्टेंस की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, वो बदलेगी नहीं, ठीक है. लेकिन अगर आप लोगों ने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को बनाना है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं करना, जस्ट एक एरो ऊपर इसके ऐसे लगा कर इसको ऐसे खींच देना. ये जो आपका रेजिस्टेंस आएगा यहाँ, ये रेजिस्टेंस आप लोगों का वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा. ओके, ये जो रेजिस्टेंस होगा आप लोगों का वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ नीचे जो मैंने वी बनाया है इसका मतलब है सामने वाले को बताने के लिए कि हम यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं. और सेम ये जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस की एक डिनोशन है. सो अगर मैं आप लोगों को इसका हैंडमेड सिंबल दिखाऊं, नोटबुक मेट, दिस इज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस सिंबल, जस्ट सिंपल एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस. बट इसमें आप लोगों को ये एरो एक और ऐड कर देना है रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे. नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट है जो रेजिस्टेंस वो होता है एमीटर, सॉरी नेक्स्ट सिंबल जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है मीटर, जो कि आप लोग पहले अभी देख ही चुके हैं. ये जो आपका यूज़ होता है करंट मेजर आउट करने के लिए यूज़ होता है एमीटर. ओके, इसको हमेशा सीरीज़ में लगाया जाएगा. नेक्स्ट सिंबल जो आपका आएगा वो आता है वोल्ट मीटर का. दिस इज़ द सिंबल फॉर वोल्ट मीटर. जिस तरह एमीटर का हमने सिंबल बनाया था कि एक वायर के अंदर हमने एक सर्कल में ए लिख दिया था, सिमिलरली वोल्ट मीटर के सिंबल के लिए हम एक सर्कल के अंदर वी लिख देते हैं. दिस इज़ द बेसिक सिंबल्स, एंड टू डिनोट दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल. आपके लेफ्ट में हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल आएगा क्योंकि उस तरफ आप लोगों का जनरली इलेक्ट्रिकल सिंबल्स में बैटरी कनेक्ट करी जाती है पॉजिटिव एंड, और दूसरे साइड नेगेटिव एंड. एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ द सिंबल्स आर गोइंग टू एंड. लास्ट टू सिंबल्स आर बींग देयर. अनदर सिंबल विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ ऑफ द स्विच. जब भी हम बात करते हैं स्विच की, तो स्विच की रिप्रेजेंटेशन दो तरह से करी जाती है. एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप दोनों एंड पे ऐसे वायर लगाएं और एक ओपन का सिंबल दिखा दें, जिस तरह आप लोग काफ़ी सारे सेफ्टी पिंस यूज़ करते होंगे. सेफ्टी पिंस में अगर पिन ऊपर हो जाती है, ये उसी तरह का सिंबल है कि इसकी स्विच के जो स्विच है उसकी जो पिन है वो ऊपर हो गई है, तो अब जो भी करंट आएगा वो आगे वायर में पास नहीं होगा. सिमिलरली अगर आप लोगों ने ओपन स्विच या फिर क्लोज स्विच दिखाना है, तो आप लोग एक दो दो सर्कल्स के अंदर, ये जो आप लोगों के आते हैं सेमी कॉलम्स के अंदर, सॉरी, आप लोग एक ओपनली दिखा सकते हैं. ये हो गया आप लोगों का ओपन स्विच का सिंबल. एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं अगर क्लोज स्विच की, तो क्लोज स्विच के अंदर, सॉरी इसमें गलत बनाया हुआ है, आप लोग इसे प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा. जो क्लोज स्विच का सिंबल होता है, जस्ट एक सिंगल लाइन आएगी और यहाँ पर दो डॉट्स. अब इसका मतलब क्या है कि ये जो आप लोगों की इंटरनल लाइन है ये बता रही है कि स्विच क्लोज्ड है, तो अगर पीछे से कोई भी करंट आ रहा है वायर के अंदर वो डायरेक्ट आउटपुट में आप लोगों को ज़रूर मिलेगा. एंड इसी को, क्लोज स्विच को, आप लोग एक और सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है ये. एंड इसके बीच में आप लोगों को एक डार्क डॉट दिखानी होगी. डार्क डॉट का मतलब क्या है यहाँ? डार्क डॉट का मतलब यहाँ ये है कि स्विच क्लोज्ड है. हम सामने वाले को बता रहे हैं कि हमने यहाँ जो स्विच लिखा है वो क्लोज स्विच के बारे में. एक और सिंबल आप लोगों का यहाँ रह जाता है, वो नेक्स्ट पेज में स्लाइड में आप लोगों को शो हो जाएगा. वो सिंबल है बल्ब का. अगर हम लोगों ने बल्ब की रिप्रेजेंटेशन करनी हो, तो बल्ब की रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होती है. एक रिप्रेजेंटेशन है आपकी इस तरह की, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन फॉर बल्ब.
एंड एक और रिप्रेजेंटेशन जो आपकी आती है वो इस तरह की आ जाती है, जस्ट ये दोनों आप लोगों की बल्ब की रिप्रेजेंटेशन है। दोनों में से कोई सी भी जो भी आप लोगों को इसी लगे आप लोग बना सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, कोई भी इन्हें गलत नहीं कहेगा। लेट मी क्लियर दिस पेज फॉर यू एंड दिस इज़ द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल्स। ओके गाइस, मूविंग ऑन, अब हम नेक्स्ट सर्किट डायग्राम को पढ़ेंगे और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं उसे भी। डायग्राम, जब भी हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की, लेट मी स्पीक इट अगेन टू यू गाइस, सर्किट डायग्राम या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? सर्किट डायग्राम या इलेक्ट्रिक सर्किट, लेट्स सी द डेफिनेशन। सर्किट डायग्राम और इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ डायग्राम जो कि इंडिकेट करता है किस तरह आप लोग के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, चाहे एमीटर हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो स्विच हो, कनेक्ट करे गए हैं यूजिंग द वायर्स इन अ प्रॉपर डायग्राम। सिंपल सा, जो आपके अलग अलग एमीटर हैं, वोल्ट मीटर हैं, रेजिस्टेंस हैं, सेल हैं, स्विच हैं, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है कंबाइन एक डायग्राम के अंदर, उन्हें हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो इस डेफिनेशन में भी आप लोगों को कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो याद रखना है सिर्फ एक प्रॉपर माइंड में ये डायग्राम बिठा लेना है। सबसे पहले अगर ये आता नहीं है लेकिन आ भी जाता है तो आप लोग ये डायग्राम बना दीजिए, टीचर्स को पता चल जाएगा कि आपने सर्किट डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन, आपको पता है सर्किट डायग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है, आप लोगों को पता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, फिर नीचे आप दो लाइनें लिख दीजिएगा कि सर्किट डायग्राम या इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम एक डायग्राम होते हैं जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंबाइन कर कर या कनेक्ट करते हैं और उन्हें शो करते हैं बाय देयर इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। लेट मी क्लियर दिस पेज फॉर यू टू हैव अ क्लियर लुक ऑफ दिस डायग्राम। दिस इज़ द बेसिक सर्किट डायग्राम यू कैन फाइंड इन एनसीईआरटी और इन एनी काइंड ऑफ रेफरेंस बुक यू हैव। ये बेसिक डायग्राम है और यहाँ पर आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा बेसिकली ओम्स लॉ, और उसके बाद आप लोग वेरिफिकेशन पढ़ेंगे ओम्स लॉ की, और साथ में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी, ये आप लोगों के टॉपिक्स रह गए हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड एक टॉपिक और है रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल, इसके भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। बेसिक सा टॉपिक है, समझने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे पर बहुत ईजी है। इसके बाद हम वो करेंगे टॉपिक, लेकिन आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर जब भी आप लोगों का अपलोड होगा प्लीज़ इसे रिवाइज़ करके आइएगा, क्योंकि टच में रहना बहुत ज़रूरी है टॉपिक्स के, अगर पहले वाला नहीं पढ़ेंगे तो आगे वाला समझ नहीं आएगा। तो इसलिए प्लीज़ कंटिन्यूशन रिवाइज़ करता रहिएगा, 21 दिन इन्जॉयमेंट भी होगी और लेक्चर भी कंटिन्यूशन में चलते रहेंगे और आप लोगों का सिलेबस भी पूरा होता रहेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं। ओके गाइस, दिस इज़ कपिल चोपड़ा हेयर साइनिंग इन ऑफ, होप सो आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।